सफेद बाल, साक्षात डायल का रूप। अरे वाह सासू माँ, आप अपनी आत्मकथा लिख रही हैं क्या? अभी तो मुझे डिस्टर्ब करने, सॉरी बाबा सॉरी, लेकिन आप पहले अपना वर्णन तो पूरा कीजिए। कानों से निकलता हुआ काला काला धुआं, लंबी लंबी काले काले जुबान, मुंह पे काले काले धब्बे, ये तो तेरी माँ का वर्णन है। काम का है, मैं इसे याद रखूंगी जब मैं हॉरर कथा लिखूंगी। तो क्या ये आप अपनी आत्मकथा नहीं लिख रही हैं? नहीं नहीं, मैं तेरा मतलब मेरी आत्मकथा एक हॉरर कथा होगी? होगी नहीं, है मेरे नजरिए से। तो अपना नजरिया अपने पास ही रख, वरना पन्ना पलटने से पहले ही कहानी खत्म कर दूंगी मैं तेरी। अरे वाह, क्या डायलॉग है! बदले की आग में जलती हुई हीरो की माँ यही डायलॉग बोलेगी विलन से, जो ग्रैनाइट में विलन ने उसे रस्सियों से बांध रखा है, और हीरो से भी वो कह रहा है कि जायदाद के कागजात पर दस्तखत कर। कौन हीरो, कौन विलन, कौन विलन की माँ? डॉक्टर, विलन की माँ नहीं, हीरो की माँ। विलन की भी कभी माँ होती है हिंदी फिल्मों में? हाँ नहीं होती है, लेकिन अगर होती तो कितना आसान हो जाता था हमारे हीरो के लिए। क्योंकि सासू माँ, क्लाइमैक्स में अपना हीरो विलन की माँ को ही किडनैप कर लेता। विलन आखिर विलन होता है बहू, वो जायदाद के लिए, दौलत पाने के लिए अपनी माँ तक को पहचानने से इनकार कर सकता है। हाँ, खलनायकी के बारे में आपको ज्यादा मालूम है ना? करे हिंदी फिल्मों में खलनायक का कैरेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है। तू तो सोच के देख, सोच के देख तू, अगर मोगन वो नहीं होता तो मिस्टर इंडिया नहीं बनती, गब्बर सिंह नहीं होता तो शोले नहीं बनती, जीवन नहीं होता तो अमर अकबर एंथनी नहीं बनती, और अगर प्राण नहीं होता तो जिस देश में गंगा बहती ही नहीं, मेरा मतलब है बनती ही नहीं, बनती ही नहीं है। कोई भी कहानी खलनायक के बिना बनती ही नहीं है, सास के बिना बहू होती ही नहीं, तेरी माँ नहीं होती तो तू भी पैदा नहीं होती। प्लीज मुझे सोचने में, मैं लिख रही हूँ, लेकिन आप क्या लिख रही हैं? नहीं बताऊंगी जब तक मैं अपने आप को रोक पाऊंगी। मैं गेस करो, मैं वसीयत नहीं लिख रही हूँ। मैं मिठाई लाने जा रही हूँ क्या? आप मेरे धोबी का एग्जाम लिख रही हैं क्या? मेरी इतनी इच्छा मेरा अपमान कि महान लेखिका की महान कहानी की तुलना तुम्हें धोबी के हिसाब से की? जहाँ मैं तुझे नहीं सुनाऊंगी अपनी कहानी। तो कहानी लिख रही हैं और नहीं तो क्या लिख रही हो? कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में। तो तेरा मतलब है मैं तेरे पीछे पीछे आऊँ तेरे कमरे में अपनी कहानी सुनाने के लिए? आपको किसने कह दिया कि मैं आपकी कहानी सुनना चाहती हूँ? तो मेरी कहानी नहीं सुनेगी? मेरे पास ना सासू माँ बहुत सारे फालतू काम है करने के लिए। यानी कि मेरी कहानी फालतू, यानी कि मैं भी फालतू? कौन सासू माँ, कितनी तरस रही है मुझे अपनी कहानी सुनाने के लिए। सच पूछूं तो मैं भी तरस रही हूँ उनकी कहानी सुनने के लिए, लेकिन क्या करूँ, कितनी बिजी हूँ ना मैं। सासू माँ, कोई आने वाला है क्या? क्यों, लगा ली चादर अपने कमरे की? हाँ, लगा ली, लेकिन ये चादर गिलास किसके लिए है? तू क्या करेगी जानकर, तुझे अपने फालतू कामों से फुर्सत है? जा जा जा, जाकर कमरे से पर्दे उतार, फिर से लगा, सूटकेस खाली कर, फिर से भर। अच्छा, तो फिर आपकी कहानी कौन सुनेगा? मेरी सहेलियाँ, जो अभी आने वाली है। आ गई। एक्सक्यूज मी, आ गई तुम? आओ 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 शीला, मेरा उमा, आओ, आइए आइए आइए। चाय बना, चाय पीते पीते हम कहानी सुना। हाँ, ये लीजिए। ये क्या है? रुई कान में डालने के लिए है। जरूरी नहीं, चलो चलो आओ बैठो बैठो। हाँ, बैठो, कहानी शुरू करें। क्या हुआ? मैं तीन रात भर में सोई नहीं हूँ। कोई बात नहीं, सासू माँ की कहानी तुम पे ही नींद आ जाएगी। अरे तुम लोगों के तो होश उड़ जाएंगे मेरी कहानी सुनने के बाद। ये ऐसी वैसी कहानी नहीं है, ये सुपर एक फिल्म की सुपर एक कहानी है। तो ये साड़ी कितनी अच्छी है, कहाँ से ली? साड़ी ना मेरी बहू के माँ ने दी है।
भी तूने पहन ली। सासू माँ, सभी सासे आपकी तरह थोड़ी है जो अपने बहू का दिल दुखाए। उसे टॉर्चर करने के लिए नए नए बहाने ढूंढे और जब सारे बहाने खत्म हो जाए तो अपने बहू को खुद की लिखी हुई कहानी जबरदस्ती सुनाने की कोशिश करे। ये तुमने अपनी सास की फिल्मी कहानी सुनी है? नहीं, ये मेरी पहली रीडिंग है। हाँ हाँ, आप पहले ही लोग हैं जो सासू माँ की कहानी सुन रहे हैं। आप जानते हैं जब भी किसी नई दवाई का प्रयोग किया जाता है वो सबसे पहले चूहे पर किया जाता है, वैसे ही सासू माँ की कहानी का प्रयोग सबसे पहले आप लोगों पर हो रहा है। मैं समझ जाती हूँ। मैं घर पर तो बैठो शीला, और तू क्यों यहाँ खड़ी है? जा जाकर चाय बना, तब मैं दरवाजा लॉक करके आती हूँ। वैसे सासू माँ, आपकी कहानी का टाइटल क्या है? टाइटल है ना? अरे बहुत अच्छा टाइटल है मेरी कहानी का, ईमान का पसीना। क्या अपनी बहू पे आप कहानी लिख रही हैं? वो जो फिजन में पसीना पसीना हो रही है। नहीं, कहानी का टाइटल से कोई मतलब नहीं है। लगता है तुम लोग सुपर हिट हिंदी फिल्में देखती नहीं हो। अरे अभी अपनी एक सुपर हिट फिल्म आई थी, नाम था आंखें, चंकी और गोविंदा पांडे की। नहीं, उसमें आपको जैसा कुछ था ही नहीं, न कोई अंधा न कोई काना, फिर भी फिल्म सुपर हिट। और उसके कुछ दिन पहले आई थी सुपर हिट फिल्म बोल राधा बोल। अब कौन राधा, क्या बोले वो, क्योंकि कहानी थी हीरो के डबल रोल की। फिर भी फिल्म सुपर हिट। और रेखा की सबसे पहली फिल्म याद है ना आपको, सावन भादो? हालांकि पूरी शूटिंग गर्मी के मौसम में हुई, फिर भी फिल्म सुपर हिट। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, है ना? हाँ, बहुत ही सुपर पकौड़े बनाए हैं मैंने। पकौड़े ना मुझे नहीं, नहीं। आप खाएंगे तो सुनाएंगे कैसे? आप सुनाइए, वन लाइन ही सुनाइए। अरे वन लाइन तो हिंदी फिल्मों की सभी एक जैसे होती है, जैसे कि लॉस्ट एंड फाउंड, रिवेंज, अमीर लड़का गरीब लड़की, प्रेम कहानी, बस। क्या बस? मैं इसे कह रही थी चाय में चीनी, बस। लेकिन तू कहानी तो सुन रही है? हाँ हाँ, बहुत अच्छी है। कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, पता ही नहीं चला। लेकिन मैंने अभी कहानी सुना ही करा है। अब चाय लीजिए, चाय लीजिए, मैं ठंडी हो रही है। कहानी सुना डाली है ना, चाय ठंडी हो रही है। बीच बीच में बोली जा रही है, चुपचाप बैठे रहे हैं यहाँ अगर कहानी सुननी है तो। टाइटल से पहले मेरी एक कहानी शुरू होती है कुंभ के मेले। मैं जानती हूँ कुंभ के मेले में दो जुड़वा भाई बिछड़ जाते हैं। एक भाई जो माँ के साथ रहता है वो अच्छाई के रास्ते पर जाता है, और दूसरा भाई जो उसे गुंडे उठाने जाते हैं वो बुराई के रास्ते पर चलता है। इसने कब सुनी मेरी कहानी? विजय और अंजनी उसी बाग में वही रोमांटिक ड्यूट दोहराते हैं जो उन्होंने तब गाया था जब दोनों में प्यार हुआ था, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ पर्दे पर आता है दी एंड। नीचे लिखा हुआ है रिमेम्बर इट्स देवकी वर्मा स्टोरी। क्या हुआ? ये तो पहले दिन की बात हो गई, और ये हीरो और विलन की चौथे बाइक की बात हो गई, और इंटरवल में ही एंड हो गया। इसका मतलब तो अकेली जागती रही। हाँ, तुमने अकेली ने मेरी पूरी कहानी सुन ली। हाँ, तो कितनी अच्छी है बहू। आपकी कहानी भी कितनी अच्छी है सासू माँ। पता है पकौड़ों का सारा तेज हो गया, दूर उबल उबल कर भर गया, दरवाजे के घंटिया बजा बजा कर न जाने कौन कौन डर गया, लेकिन मैं उठी नहीं। आपकी कहानी सुनकर डर ही नहीं। बहू, तुमने फर्स्ट टाइम मेरा इतना नुकसान किया है, फिर भी मुझे तुझ पर प्यार आ रहा है, और इन चुड़ैलों पर आ रहा है गुस्सा। उठो यहाँ से और चले जाओ अपने अपने घर। मुझे बता क्या क्या अच्छा लगा तुझे मेरी कहानी में? सासू माँ, एक बात मुझे बताओ ना, आपकी कहानी तो सारी गलतियों से भरी है। नो बहू, इसे गलतियाँ नहीं कहते। अरे यही तो हिंदी हिट फिल्मों का मसाला है, जिसकी वजह से फिल्में हिट बनती है। हाँ, मुझे पता है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या मालूम है? क्या आपकी वजह से तो मेरी लाइफ आज हिट है, नहीं तो कब की सब हो चुकी होता। बहू, इंसान बाजार से खुद गलतियों का मुजस्मा है। ट्रांसलेशन इन भी, अगर आदम गलती नहीं करता तो हम और तुम कहां से होते? तो क्या मैं उसकी गलतियों की सजा भुगत रही हूँ? चले चले चले, याद है? देख मैं बताती हूँ तुझे,
उस फिल्म में ठाकुर की बेचारी वो विधवा बहू पूरी फिल्म भर दिए जलाती है बुझाती है जलाती है बुझाती है। इसका मतलब ठाकुर के घर में बिजली नहीं क्योंकि गांव में बिजली नहीं। लेकिन पूरे गांव में बहुत बड़ी टंकी दिखाई है जिसमें सिर्फ बिजली के पंप से ही पानी भरा जा सकता है। उसी टंकी पर चढ़कर मिस्टर धर्मेंद्र पूरे गाँव को आत्महत्या की धमकी देता है। पिक्चर आपको मालूम है मुझे मालूम है फिर भी बता। अरे देखिए ठाकुर वीरू और जय को हायर करता है ताकि वो दोनों गब्बर सिंह के बच्चे को पकड़कर उसके सामने पेश करे है कि नहीं। वो दोनों बेचारे पूरी पिक्चर में लगे पड़े हैं गब्बर सिंह का अड्डा ढूंढ रहे हैं और वो ठाकुर से इन्फॉर्मेशन देता है कि पास वाले गाँव में गब्बर सिंह गोलियां और बंदूकें खरीदने आने वाला है। लोहा गरम है हथौड़ा मार दो। इसका मतलब क्या है ठाकुर गब्बर सिंह का अड्डा नहीं जानता है ना। अरे फिर भले आदमी खुद के हाथ कटवाने कहाँ गए थे। अमर अमर एंटनी हाँ याद है। अरे मैंने खुद चार बार देखी है ये फिल्म। तीनों हीरो विलन के अड्डे पर पहुंच जाते हैं भेद बदल कर क्यों ताकि विलन उन्हें पहचान न सके करें। और वहां पहुंचने के बाद ये हमारे तीनों हीरो गाना कौन सा गाते हैं। अनहोनी को होनी कर दे होनी कौन होनी एक जगह संजना होती हो एक हंस का जोड़ा यानी दो हंस तो दो हंस
गंगा की मौज में जमुना का धारा, जमुना का धारा नहीं जमुना की धारा। इन पिक्चर में गाना कौन गा रहा है? अपना हीरो गा रहा है ना, तो जमुना का धारा ही कहेगा। और जो भी हीरो कहता है वो सब सही होता है, गलत कुछ होता ही नहीं है। मेरी कहानी सुन ले। नहीं हो सकता। अच्छा टाइटल है बहू, अच्छा टाइटल है। लेकिन नेक्स्ट फिल्म के लिए फिलहाल तो मिस्टर डेविड मेरा ये इमरान का पसीना टाइटल सुनकर बहुत खुश हुए हैं। आप खुश तो मिस्टर धवन भी हुए हैं आपकी कहानी का टाइटल सुनकर। कौन धवन? डायरेक्टर धवन साहब जो आ रहे हैं 4 बजे कहानी सुनने डॉक्टर मामा से कहकर अपॉइंटमेंट फिक्स किसी में। अरे तो मिस्टर डेविड का भी नंबर मैंने डॉक्टर से ही लिया है। मेरी सासुओं को इतनी आवाज सुनने की आदत नहीं है ना। अरे आगे क्या बोल रही थी? आप मुझे अपना हाथ दें। क्या आप मेरी सासू का हाथ मांग रहे हैं? जी हाँ, मैं उस हाथ को चूमना चाहता हूँ जिसने इतनी खूबसूरत कहानी लिखी है। पहले आप अपने हाथ से खूबसूरत सा चेक लिख के दीजिए ना। मैं तो कैश लाया हूँ जी। ठहरो, ये कहानी तुम्हें नहीं मिल सकती। मैं कहता हूँ तुम ये पैसे वापस ले जाओ। धवन डेविड ऐसा मत करो, तुम मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। मतलब मैं अपने बेटे को हीरो बनाना चाहता हूँ और बतौर पहली फिल्म ये कहानी उसकी लाइफ बना देगी। हाँ तो मेरी बेटी का क्या होगा? अरे मैं भी मेरी बेटी को इसी फिल्म की कहानी से लॉन्च करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ ये कहानी मैं लूंगा। नहीं, ये कहानी मैं लूंगा। मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं। आप दोनों बहुत प्रभावित हुए हैं मेरी कहानी से। हाँ, आप लोग तो हमारी तरह सिंधुरा भी करने लगे हैं। सिंधुरा में तो होनी ही थी ना, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि कहानी आप सिर्फ मुझे सुनाइए अकेले में। अरे हमने भी ये सोच रखा था कि हम दोनों को जॉइंट रीडिंग देते हैं ताकि किसी का ईगो हर्ट न हो। जैसे शाहरुख खान और सनी को जॉइंट रीडिंग दी गई थी फिल्म डर के लिए। मैं मेरे बेटे की पहली पिक्चर के लिए बहुत खर्चा करूंगा पाओ। और मैं क्या कोई कमी करूंगा क्या? अरे गाने पिक्चराइज होंगे, गाने स्विट्जरलैंड, एम्स्टरडैम, जर्मनी, हवाई में, वहाँ जाके इंडोर शूटिंग करेंगे। सेट लेंगे, सेट बड़े बड़े बंगलों के, महलों के, और कॉस्ट्यूम्स गॉर्जियस। नेचुरली आपकी बेटी की करियर का सवाल है। पिक्चर हिट हुए तो आपका बेटा भी रातों रात 50 लाख का हीरो बन जाएगा। मैं मेरे बेटे की पहली फिल्म के लिए तो 50 करोड़ भी खर्चा करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा तो बेहोश हो जाएंगी। अरे तो फिर बेहोश होने से पहले आप ये कहानी मुझे दे दीजिए। अगर आप होश में रहना चाहती है तो ये कहानी मुझे दे दीजिए। आप दोनों बाप अपने बच्चों के खातिर लव स्टोरी बनाने के लिए बेताब हो रहे हैं। मुझे आपकी लावर मेहता भी देखकर एक आइडिया दीजिए। ये कुछ भी आइडिया देती रहती है। सलीम जावे क्या लक्ष्मी का ही पागल हो गई है? अब बात बता क्या बोल रही है खुशी रिया? हम समझ गए, फिल्म भी दुनिया की एक नई जोड़ी डेविड धवन तो मैं प्रोड्यूस करूंगा और ये डायरेक्ट करूंगा। अब फिल्म का हीरो होगा मेरा बेटा और हीरोइन होगी इसकी बेटी। गुलजार से पकड़ने के लिए कोई साथ चाहिए ना? चलिए जल्दी, अब देर हो रही है। कितने बजे का मुहूर्त है? 11 बजे का गलत बज चुके हैं। चलिए, अरे पागल तू कितनी बोली है। 11 बजे का मुहूर्त यानी 11:30, 12:30 बजे होगा। हम आराम से जाएंगे। कहाँ है मुहूर्त? मुझे कार्ड दिखा। इमान का पसीना हॉलीवुड स्टूडियो प्रोड्यूसर डेविड डायरेक्टर धवन रिटन बाय राधा देवकी। राधा देवकी कितना अच्छा लगता है ना हमारे नाम साथ साथ राधा देवकी। ये कहानी सिर्फ मैंने लिखी है, तेरा नाम क्या है यहाँ? क्या बात करती है सासुमा,
मेरे बिना आप अधूरी है, आपके बिना मैं अधूरी हूँ, इसलिए तो हम सारे काम साथ साथ करते हैं। तो मैंने सोच लिया मेरे नाम के साथ साथ आखिर जोड़ ही दो आपका नाम। मेरे को कहा क्यों मैं इरेज कर दूंगी तेरा नाम इस कास्ट से। बाकी के काम क्या करेंगी आप? वहां पहुँच कर वो भी इरेज कर दूंगी, है ना? वो चलिए थे चल। बता दीजिए मुहूर्त के लिए लेट हो रहा है।